श्रीदेवी की असल में मौत कैसे हुई, इसको लेकर उनके हस्बैंड बोनी कपूर का एक्सक्लूसिव बयान। पहली बार बोनी कपूर ने श्रीदेवी के लास्ट मोमेंट की यादें शेयर की और बताया कि उस रात दुबई के होटल में क्या हुआ था। यस, बोनी कपूर हैज ओपेंड अप टू एक्चुअली व्हाट हैपेंड ऑन दैट फेटफुल नाइट। जी हाँ, दरअसल ये बात उन्होंने एक फिल्म समीक्षक कोमल नाहता से बातचीत के दौरान बताई और इसके बाद कोमल नाहटा ने ट्विटर पर उनके बयान को शेयर किया है। कोमल नाहटा ने अपने ब्लॉग के जरिए बोनी कपूर के बयान के आधार पर बताया कि उस रात को अचानक श्रीदेवी की कैसे मौत हुई। बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग के सिलसिले में दुबई में रुकी थी और वो वापस मुंबई लौट चुके थे। इसके बाद 24 फरवरी को सुबह जब बोनी ने श्रीदेवी से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि वो उन्हें मिस कर रही है और उन्होंने भी कहा कि वो उन्हें याद कर रहे हैं और इसके बाद सरप्राइज देने वो फिर से दुबई पहुंच गए। 24 फरवरी की शाम वो होटल पहुंचकर डुप्लीकेट चाबी द्वारा कमरा खोला और श्रीदेवी को सरप्राइज किया। फिर दोनों ने आधे घंटे तक बातचीत की। श्रीदेवी से बोनी कपूर ने डिनर के लिए कहा और फिर वो नहाने चले गए। उसके बाद श्रीदेवी भी नहाने चली गई और फिर बोनी टीवी देखते हुए उनका इंतजार कर रहे थे और काफी देर बाद भी जब वो बाथरूम से बाहर नहीं आए तो उन्होंने आवाज लगाई। जब कोई आवाज नहीं आए तो वो परेशान हुए और जब उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि श्रीदेवी सिर से पांव तक बाथटब में डूबी हुई हैं और ये देखकर उनके तो होश उड़ गए। प्लीज गिव योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल।